नमस्कार, मैं शिवांगी, न्यूज लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं शाहीन बाग में, जहां सुबह 11 बजे एमसीडी का बुलडोजर यहां पे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचा था। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पीछे एक दुकान जो बनी हुई है, यहां पर एक टेम्पररी ढांचा बना हुआ था जिसको हटाने की कोशिश बुलडोजर कर रहा था, जिसके बाद यहाँ की जो MLA है अमानतुल्ला खान, जो यहाँ के दुकानदार है, लोकल रेसिडेंट्स है, उन्होंने MCD के कर्मचारियों से बातचीत की और खुद ही उस ढांचे को हटा दिया, जिसके बाद जो बुलडोजर है, MCD के लोग थे तमाम यहाँ पर, जो पुलिस कर्मी यहाँ पर तैनात थे, वो यहाँ से चले गए। मैं बता दूं आपको कि जो पूरी कार्रवाई है वो आदेश गुप्ता, जो कि BJP दिल्ली अध्यक्ष हैं, उन्होंने ईस्ट और साउथ कॉरपोरेशन को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शाहीन बाग और आसपास का जो इलाका है, यहाँ पर अवैध अतिक्रमण है, उसको जल्द से जल्द हटाया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। जिसके बाद से 25 अप्रैल से ही MCD जो है यहाँ पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। तमाम अटकलें बन रही थी कि आज बुलडोजर आएगा, कल बुलडोजर आएगा, लेकिन आज 9 मई को फाइनली यहाँ पर बुलडोजर आ गया। ऐसा कहा जा रहा था कि पहले ही कार्रवाई इसलिए नहीं की जा पा रही थी क्योंकि पुलिस बल जो है वो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। न्यूज लॉन्ड्री ने यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत की, उन्होंने हमें बताया कि आज से 2-3 दिन पहले यहाँ पर जो MLA अमानतुल्ला खान है वो आए थे, उन्होंने दुकानदारों से बात की और यहाँ पर जो रेड़ी पटरी वाले होते हैं उनसे बातचीत करके उनसे अनुरोध किया कि वो सड़क से अपना जो दुकान है वो थोड़ा पीछे करके हटा कर वो लगाएं, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया। ये इल्लीगल इंक्रोचमेंट तो पूरे दिल्ली के अंदर है और सबको दिखता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, थोड़े बहुत कई लोग फुटपाथ पे ठिए लगा लेते हैं या कहीं थोड़ी सी टीन शेड डाल लेते हैं, तो वो भी उन्होंने खुद हटा लिया। इसके लिए पूरा इलाका कोऑपरेट कर रहा है। एक ज़माने से हम लोग प्रशासन से कंप्लेंट भी करते हैं, यहाँ पर कूड़ेदान नहीं बन रहा है, उस कूड़े ने आधा रोड इंक्रोचमेंट कर रखा है, पब्लिक बच बच के निकलती है, वहाँ तो प्रशासन का ध्यान है नहीं और यहाँ पर बुलडोजर की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर जो लोकल रेसिडेंट्स हैं और जो यहाँ पे दुकानदार हैं, उन्होंने हमें बताया कि MCD ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया था, उनको कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसी कोई कार्रवाई होने वाली है। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया, वैसे वैसे लोग साइट पर आते गए कि भाई यहाँ पर डिमोलिशन होना है या फिर इंक्रोचमेंट हटना है। लोगों को लेकिन पता नहीं था कि हटना क्या है, क्योंकि ऐसा कोई ऐसा इंक्रोचमेंट दिखा नहीं यहाँ पूरे रोड पर कि यहाँ पर कोई चीज़ बाहर रोड बनाई हो या रोड बना रखी हो, अंटिल अनलेस हमें MCD से कोई नोटिस आता या किसी को भी नोटिस आता, किसी भी शोरूम वाले को नोटिस आता, किसी को नोटिस नहीं आया। बस हम लोग काफ़ी टाइम सुनते आ रहे थे कि 9 तारीख में कालनी कुंज मेन रोड जो है जो 16 वाला, इस पर इंक्रोचमेंट की कार्रवाई होनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा भी लगा हुआ है। यहाँ पर जो लोकल रेसिडेंट्स है वो और जो दुकानदार है वो सुबह से ही मीडिया के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरह से उनका ये कहना है कि शाहीन बाग में आज जो ये कार्रवाई हो रही है, कुछ मीडिया कर्मी उसको कॉम्युनल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो भी डेमोलिशन आज हुआ है या जो भी कार्रवाई हुई है बुलडोजर की, उसका हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, जिसके बाद लोगों ने यहाँ पर कुछ मीडिया कर्मियों को भी हटाना शुरू किया। बाहर जाओ, बाहर जाओ। और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज लॉन्ड्री के साथ। खबरों की तह में जाकर की जाने वाली ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप न्यूज लॉन्ड्री पर देख सकते हैं, क्योंकि हम विज्ञापन से नहीं आपके सहयोग से चलते हैं। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पे आजाद हैं खबरें।